नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूँ आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस की ओर। सेल्समैन किया गया 8 लाख का गबन, कार से कारतूस और देसी कट्टा हुआ बरामद, व्यक्ति को वाहन ने कुचला और जगह पर हुई मौत। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। सेल्समैन ने किया 8 लाख का गबन। नागपुर में कंपनी के नाम पर करने वाले सेल्समैन ने धोखाधड़ी कर कंपनी के 8,29,980 रुपए हड़प लिए। यह घटना 2 फरवरी 2022 में हुई और 22 मार्च 2024 के बीच वाड़ी पुलिस स्टेशन के सीमा में भीतर पहुंची। अनिल कृष्णा रेंगुड़वर निवासी और श्री प्लाज्मा पत्रचार सोसाइटी वाड़ी का पुलिस स्टेशन क्षेत्र के सोनबार आशीष प्लाजो ने साई समर्थन एंटरप्राइजेस नामक कंपनी का कार्य ले लिया था। आरोपी विजय सुधाकर ईश्वरी और सुनील गंगादास सरदार उनके कार्यालय में सेल्समैन के रूप में काम करते थे। आरोपी ने साजिश रचकर रुपए हड़प लिए। धारा 408 और 334 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कार से कारतूस और देसी कट्टा हुआ बरामद। नागपुर में एक वाहन चालक की कार में कारतूस सहित देसी कट्टा जब्त किया गया। जरीपटका पुलिस थाने के टीम ने यह कार्रवाई की। आरोपी साईनाथ हाउसिंग सोसाइटी बहादुरा निवासी राहुल शंकर लोपसे और पुलिस के खबरियों के माध्यम से मिले जानकारी के आधार पर शुक्रवार तड़के करीब 4 बजे कार क्रमांक MH02EP1606 को इंदौरा मैदान के पास रोका गया। आरोपी राहुल कार चालक था। उसके बगल के बॉर्डरेशन के पैकेट में देसी पिस्तौल और 3 जिंदा कारतूस मिले। पुलिस ने आरोपी के पास से कुल 8.75 लाख रुपए का माल जब्त किया है। आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार किया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। व्यक्ति को वाहन ने कुचला हुई मौत। नागपुर में तेज रफ्तार से जा रहे वाहन के टक्कर में 40 वर्षीय एक अनजान व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यह घटना शुक्रवार की रात करीब 10 बजे हुडकेश्वर थाने के सीमा में हुई। जबलपुर हैदराबाद आउट रिंग रोड पर सौकेर के पेट्रोल पंप के सामने डिवाइडर से एक अनजान व्यक्ति रास्ते पर आ रहा था, तभी इस अज्ञात वाहन चालक ने रफ्तार से आकर उन्हें टक्कर मार दी। लापरवाही से वाहन चलाते हुए व्यक्ति को इतनी जोर से टक्कर लगी कि उस व्यक्ति के उपचार के दौरान मौत हो गई, लेकिन डॉक्टर ने उसकी जांच कर मृत घोषित कर दिया गया। हुडकेश्वर पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ धारा 334 के तहत साधारण और 134-177 के तहत मामला दर्ज किया है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा हाई ट्विटर कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।